देखा इतनी सारी लड़कियां मुझसे पूछ रही हैं क्या शादियों में भी करके जा सकती हैं। जिन जिन से मुझे रिसेंटली मोहब्बत हुई भी होती है नोर माय स्पंज मेकअप ट्यूटोरियल देख के जज करते हैं। इतने सारे क्वेश्चन नीचे नहीं देखना, इतना मजे का है ये, मुझे दिलो जान से पसंद आ जाए ना, सारा ग्लू आ गया माही, ताकि मेरी हेल्प करता रहे। Hi everyone, assalamu alaikum, this is me Rebecca Kashif Khan, welcome back to my YouTube channel. खान हाजिर हो चुकी हैं। सो कुछ दिनों पहले मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत प्यारे कमेंट्स थे आप सबके, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन आप लोग से हर वीडियो में एक सवाल पूछती हूँ, वो ये कि अगर आप लोग के पास कोई आइडिया हो, आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने देखा इतनी सारी लड़कियां मुझसे पूछ रही क्या आप मेकअप ट्यूटोरियल क्यों नहीं बना रही, आप प्लीज हर सीजन के हिसाब से मेकअप ट्यूटोरियल बनाया करें, जो कि मैं बनाती भी थी और इतने टाइम से मिसिंग था, तो मैंने क्यों ना एक और स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल आप सब के लिए लेके आया जाए। मैं लेके आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा मेकअप ट्यूटोरियल, बहुत मजा आएगा। आज हम बहुत ही प्यारा सा ग्लोई मेकअप आज हम करने जा रहे हैं, काइंड ऑफ वेडिंग मेकअप लुक। वेडिंग का नाम है इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि जो मैं मेकअप लुक आज क्रिएट करूंगी वो नॉर्मली लड़कियां शादियों में भी करके जा सकती हैं, किसी भी इवेंट में करके जा सकती हैं, तो ये कहने का मकसद है। तो फुल वीडियो जरूर देखनी है एंड डेफिनेटली यू गाइस विल लव इट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आई एम अप्लाइंग ग्लो फेशियल टोनर। एक तो मेरा हर मेकअप ट्यूटोरियल बहुत अलग होता है, मैं हर मेकअप ट्यूटोरियल में आप लोग को अपने प्रोडक्ट्स बताती हूँ, जिन जिन से मुझे रिसेंटली मोहब्बत हुई भी होती है और जिन जिन प्रोडक्ट्स को मैं बहुत पहले से यूज कर रही होती हूँ, तो आज भी कुछ इसी तरह से होगा। सो अभी हम लोगों ने टोनर अप्लाई किया है तो मैं लेंस लगा लेती हूँ, क्योंकि लेंस के बिना मेकअप जो होता है वो अधूरा होता है। सो लेट्स अप्लाई लेंसेस, गिर जाता है। सो लेंसेस मैंने अप्लाई कर लिए हैं, बहुत ही यू नो नेचुरल वाले लेंसेस मैंने लगाए हैं। आई एम लव विद दिस शेड। सो यस, बहुत मुश्किल से लगे आज लेंसेस, वरना तो फौरन लग जाते थे, बट आज बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। नाउ आई एम अप्लाइंग सीरम। जब भी आप लोग मेकअप करो ये पूरा स्किन केयर आपने फॉलो करना है, पहले टोनर लगाना है, देन सी प्लस ई सीरम लगाना है, देन मॉइस्चराइजर लगा के सनब्लॉक लगाना है। मॉइस्चराइजर को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब बारी है द मोस्ट स्पेशल प्रोडक्ट, जो कि है सनस्क्रीन। और आप लोगों ने हमेशा हर मेकअप ट्यूटोरियल में देखा होगा कि मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, तो अब मेरा सनस्क्रीन आ चुका है तो मैं यही वाला अप्लाई करती हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक ऑर्डर नहीं किया है तो जाके ऑर्डर कीजिए, अकाउंट है rebecca.beauty, वहां पे वेबसाइट मेंशन है, वहां से जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, वरना ईस्टर्न मार्ट है वहां से जाके ले सकते हो। अगर ऑर्डर करना इन केस कुछ लोगों को नहीं आ रहा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर बताऊंगी, भी शॉर्ट वीडियो के थ्रू, मे बी लॉन्ग वीडियो के थ्रू, सो स्टे ट्यून फॉर दैट टू। पूरा अब जाके मेरा स्किन केयर कंप्लीट हुआ है, अब मैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल प्रॉपर वाला स्टार्ट करूंगी। ये है मेरे पास शी ग्लैम का कंसीलर, ये मैंने न्यू मंगवाया है क्योंकि मेरा पुराना वाला खत्म हो गया था। ये बहुत अच्छा कंसीलर है और सच बताऊं तो ये बिल्कुल मेरे टोन के हिसाब से, जल्दी से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं इसको हम। इग्नोर माय स्पंज बिकॉज मैं इससे मैं अपना फाउंडेशन भी लगाती हूँ, तो इस वजह से इसकी हालत इस तरह की है। अच्छा, सम टाइम्स ना लोग जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल देख के जज करते हैं, मतलब मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ, ऊपर से जो मैं अप्लाई करती हूँ, जिस तरह से मैं मेकअप करती हूँ, मैं वो तरीका आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया करे तो आप लोग वैसे किया करें, लेकिन ये मेकअप ट्यूटोरियल इसलिए भी हेल्प करता है कि सम टाइम्स कोई चीज आपको लगता है कि ज्यादा अप्लाई करनी चाहिए, कम अप्लाई करनी चाहिए, तो आप जब मेकअप ट्यूटोरियल देखते हो तो आपको आइडिया हो जाता है। तो नॉर्मली लोग ये सोचते हैं, मैंने इतने सारे कॉमेंट्स भी पढ़े
कि आपने कंसीलर इतना कम लगाया, आपने तो कंसीलर लगाया ही नहीं, आपने तो फाउंडेशन इतना कम लगाया, इससे तो हमारी कवरेज पूरी नहीं हो रही, हमने तो आपके जितना लगाया था, इतने सारे क्वेश्चन। तो भाई आप अपने फेस के हिसाब से लगाओगे, मैं अपने फेस के हिसाब से लगाती हूँ। इस चीज को मैंने आज क्लियर कर दिया है, आप लोग अपने हिसाब से मेकअप किया करो, लेकिन अगर समटाइम्स आपको लगे इस तरह मेकअप करना है, मैं जस्ट आप लोग को सिखाने के लिए और अपना एक सीक्रेट शेयर करती हूँ बेसिकली, और कोई वजह नहीं। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई माई मोस्ट फेवरेट एक्सपोज फाउंडेशन SL Basics का। पता नहीं क्यों मुझे फाउंडेशन मुझे बहुत 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 पसंद है। एक तो उसकी कवरेज बहुत अच्छी है, ऊपर से मुझे बहुत सूट करता है। जो चीज आपको सूट करती हो वही चीज आप लोगों को अप्लाई करनी चाहिए। सो फाउंडेशन अच्छे तरीके से मैंने अपने फेस पर ब्लेंड कर लिया है, अब बारी है इसको फिक्स करने की। तो फिक्स करने के लिए मेरे पास ये वाला जो है वो क्या कहते हैं इसको, पंच, खैर जो भी कहते हैं, ये है मेरे पास जो कि बहुत अच्छा है। आई पर मैं अच्छे तरीके से इसको लगाऊंगी, नीचे नहीं देखना। पार्लर में देखा है समटाइम्स ऐसे ही होता है, नीचे नहीं देखना। फिक्स कर रहे हैं आपका मेकअप, ये बिल्कुल वही तरीके का है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पाउडर अपने फेस पे भी अप्लाई कर लेंगे ताकि आपका बेस जो है वो फिक्स हो जाए। स्वेटिंग होगी, कुछ भी होगा, आपका मेकअप इधर से उधर नहीं होगा, ट्रस्ट मी। अब बारी है कॉन्टोरिंग की। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह अपने फेस से मैंने निशानात बना दिए हैं। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छा, इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करूंगी, पहले मैं गलती करती थी, अब नहीं करूंगी। ब्रश के जरिए इसको ब्लेंड करूंगी। अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा पाउडर वाला कंसीलर भी अप्लाई करूँ। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ये वाला लिक्विड ब्लश ऑर्डर किया था, साथ ही साथ ये पिंक कलर का जैम ऑर्डर किया था, शी ग्लैम के ही दोनों हैं। तो मैं आप लोगों के सामने ये पिंक जैम लगाऊंगी जो कि सच में जैम की तरह है, और इतना मजे का है ये, मजे का इन सेंस, अप्लाई करने के बाद ऐसी बेबी स्किन लगती है ना, उफ क्या ही आप लोगों को बताऊं मैं। ये जस्ट मैंने ट्राई के लिए मंगवाया था और ये मुझे इतना पसंद आ गया कि अब मैं सारे शेड इसके मंगवाऊंगी इंशाल्लाह। ये जैम आप अपने लिप्स पर भी टैप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी ग्लॉस लगी हुई है तो मैं टैप नहीं कर रही, बट आप लोग चाहो तो उसको कर सकते हो टैप। ट्रस्ट मी बहुत अच्छा, ऊपर से लॉन्ग लास्टिंग है। अब स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए ये है मेरे पास एक किट जिसमें सारे ब्राउन वाले शेड्स हैं। तो मैं जो हूँ अप्लाई करूंगी डार्क ब्राउन शेड। बेस जो है वो मैंने ब्राउन शेड की बनाई है, इस तरह से अच्छे तरीके से ब्रश के जरिए उसको ब्लेंड करेंगे, जस्ट लाइक दिस। नाउ आई एम अप्लाइंग दिस शेड जो कि है लाइट कलर का। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम फिंगर से बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आई शेड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये मैंने अभी ही शी ग्लैम से ये वाला शिमर मंगवाया है। आप लोग बोल रहे होंगे बड़े शी ग्लैम के मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, तो भाई जब कोई प्रोडक्ट मुझे दिलो जान से पसंद आ जाए ना, फिर मैं वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगती हूँ। ग्रीन का मैं थोड़ा सा टच दे रही हूँ अपनी आई पर। वैसे तो बेसिकली ये लाइनर ही है, लेकिन इसको मैं इस तरह से भी लगा रही हूँ ताकि आप लोग सीख सकें कि हम इस तरह भी लगा सकते हैं। सो ग्रीन शिमर को इस तरह से मैंने अपनी आईज पर ब्लेंड कर लिया है, और आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल टू मच हैवी नहीं लग रहा है, बहुत ही लाइट सा लग रहा है। तो आप लोग इसी तरह कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हो। ये है मेरे पास तीन शेड्स, बल्कि एक और शेड भी है वो वैनिटी पे रखा हुआ है, बट ये थ्री शेड्स मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, गोल्डन, काइंड ऑफ वाइट एंड दिस ग्रीन शेड। सो हम ये ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन और थोड़ा सा डार्क ब्राउन का मिक्सचर अपने अंडर आई पर भी लगाएंगे, जस्ट लाइक दिस। सो अंडर आई पर भी शेड मुकम्मल हो चुका है, अब बारी है लैशेस की। आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है लैशेस लगाने का, तो मैं बिल्कुल लाइट वाली लैशेस लगाऊंगी ताकि मेकअप भी इनहेंस हो और ज्यादा हैवी भी ना लगे। ये बहुत हैवी है। फाइनली मेरे मतलब की लैश मुझे मिल गई है, तो जल्दी से लगा लेते हैं इसको। इतना सारा ग्लू आ गया, माही आई वांट टिश्यू। तो यस,
लैशेज जो है वो मैंने अप्लाई कर लिए हैं एज यू गाइस कैन सी, बहुत ही मुश्किल तरीके से, क्योंकि नॉर्मली मैं लैशेज अप्लाई नहीं करती, तो मेरी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं शो में जाती थी उस टाइम की प्रैक्टिस ये रोज रोज लगा रही हूँ, लेकिन अब तो बिल्कुल प्रैक्टिस से मैं आउट हो चुकी हूँ। बट खैर फिर भी आई डिड इट। वैसे तो इस तरह भी आप लोग छोड़ सकते हो, बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन इसको इनहेंस करने के लिए मैं अप्लाई करूंगी लाइनर। मैं आज अप्लाई करूंगी ब्रश से लाइनर। पहले देख लेते हैं हमारी लैशेस पक्की हैं कि नहीं, अब मैं अप्लाई करूंगी लाइनर। सो माय लाइनर इज डन, टाडा। अब आप देखो लाइनर लगने के बाद किस तरह से आंखें एकदम निखर के आई है, वाह 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 वाह। अभी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि इनर लाइनर कौन सा लगाना चाहिए। मैंने सोचा व्हाइट, फिर मैंने कहा नहीं, जो बात ब्लैक में है ना वो व्हाइट में नहीं है, तो मैं अप्लाई करूंगी ब्लैक। टाडा, अब मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो मस्कारा भी डन हो चुका है, तो मतलब हमारा प्रॉपर आई मेकअप डन हो गया है। लेकिन नहीं, कुछ कमी है, कमी है इनर कॉर्नर शिमर की। मांगिए को मैं अपने पास बिठाती हूँ ताकि मेरी हेल्प करता रहे। माली टिश्यू चिपक गया था। सो हाइलाइटर भी डन हो गया है, अब बारी है लिपस्टिक लगाने की। ये मैंने लिप पेंसिल भी मंगवाई है जी शी ग्लैम से। एक्चुअली मैंने प्रमोशन नहीं की है, बट आई रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइज अबाउट माई प्रोडक्ट, सो इस वजह से सारा एली कॉस्मेटिक्स की लिक्विड लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर ली है, बस ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए देन मैं इसमें टैप करूंगी अपना जैम। एंड इट्स डन, सो मेकअप हमारा डन हो गया। और आप लोग देख सकते हो कि ये वो मेकअप है कि आप किसी भी इवेंट के लिए कर सकते हो। अब आई समझ मेरी बात, ना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा लाइट है, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। मैं तो परफेक्ट बोल रही हूँ, लेकिन अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि परफेक्ट है क्या नहीं। अब बारी अपने बाल बनाने की, आज मैं ऐसे बाल बनाने वाली हूँ ना मजा ही आ जाएगा। सो जादू करते हैं। तो आज आप लोगों को वेट करना होगा 3 seconds का, 1 2 3। So this is my final look, guys. Just look at my hair. How pretty my hairs are looking. इसमें बहुत मेहनत लगी है, लेकिन आप लोग के सामने सिर्फ और सिर्फ 3 seconds में मैं आई हूँ, लेकिन back of the camera मुझे पूरा पूरा 1 घंटा लगा। मतलब 1 घंटा मेरे ख्याल से कम ही लगा है, वरना normally बहुत time लगता है, लेकिन इन बालों में मुझे 1 घंटा लगा है। जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी रबी काशिफ खान कैसी लग रही हैं। मैं खुद को बहुत प्यारी लग रही हूँ, मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ एकदम से। अब आप लोग मुझे बताओगे। जी फरमाए। आप नेहा कक्कड़ लग रही हो। ओह माय गॉड, आप नेहा कक्कड़ लग रही है। नेहा कक्कड़ लग रही हूँ। नेहा भी ऐसे बात बनाती है ना। चलो फिर, गुड कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे फैंस मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब जूम शॉट्स भी आप लोगों ने देख लिए हैं। अब वीडियो को जल्दी जाके लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे जरूर बताना कि मैं आप सबको कैसी लग रही हूँ। बहुत सारा प्यार बरसाना और बहुत सारा लाइक करना। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।